आग्रह कर रहा हूँ। थैंक यू। यहाँ पर उपस्थित जननी मानव जागरण के अध्यक्ष चौधरी प्रसाद गुप्ता जी, जिस विधवा के घर में 18 साल से कम बच्चे हो, 18 साल से छोटा बच्चा हो, 18 साल से कम का लड़का हो और उसके घर में कोई कमाने वाला नहीं हो, ऐसे लोगों को हमारे ट्रस्ट की तरफ से हर महीने अनाज वितरण किया जाता है। और उसी तरीके से जैसे यहाँ खेतीवाड़ा के दूर दराज के ऊपर पहाड़ के ऊपर पोस्टमैन नहीं पहुंच पाता है, उनके घर पे आधार कार्ड नहीं पहुंच पाता है, तो वैसे आधार कार्ड को हम अपने पास मंगवा के और यहाँ के लोगों को वो आधार कार्ड उन तक पहुंचाते हैं। तो ये हमारा उद्देश्य है कि हर आदमी के पास, हर रहवासी के पास आधार कार्ड पहुंचे, हर आदमी को एक अधिकार मिले आधार कार्ड का। और उसके अलावा जो आदमी सक्षम नहीं है, जो अपने लिए रोटी का बंदोबस्त नहीं कर सकता है, वैसे व्यक्ति को हमारे ट्रस्ट की तरफ से अनाज की सुविधा उपलब्ध की गई। महाराष्ट्र कामगार दिवस निमित्त ने जननी मानव सेवा ट्रस्ट आयोजित दर महीना प्रमाणे मोफत असहाय लोकांना धान्य वाटप व त्याचबरोबर लोकांना आधार कार्ड वाटप याचा प्रोग्राम आयोजित केलेला आहे। मी जननी मानव सेवा ट्रस्टचे अध्यक्ष श्री चौधरी प्रसाद गुप्ता, पत्रकार राजेश उपाध्याय जी, वैसे हमारे पार्टी के जिला के अध्यक्ष राम चौहान जी, रंजीत भाई, अमित भाई, हमारे सभी नए दोस्त वीना सिंह जी और हमारी एक बहन है जो आप लोगों के सेवा के, हम लोग जिस तरह सेवा करते हैं उसी तरह सेवा का काम करती है, एक वृद्धाश्रम चलाती है और जो सड़क पर बच्चे जो होते हैं अनाथ होते हैं उनको ले जाकर पढ़ाना लिखाना, उनको बड़ा शिक्षा देना, ऐसा काम करती हमारे बीच में है। और वैसे हमारे सभी साथी और मेरे सभी मित्र कालिका विक्रम जी, उबेद खान जी, सभी भीमा धोत्रे जी, जितने भी हमारे सहकारी हैं, आज ये पॉलिटिकल मंच नहीं है, हम लोग एक संस्था का कार्यक्रम कर रहे हैं। हम लोग हर महीना अपने बहनों को, जो विधवा बहने हैं उनको मदद के लिए अनाज वितरण का जो कार्यक्रम हर महीना करते हैं, तो हर महीने के लास्ट महीने में करते थे, तो उसको हम लोगों ने सोचा कि इस बार 1 मई है जो महाराष्ट्र डे है, कामगार दिवस है, कामगार दिवस मुझे अपना महाराष्ट्र का एक कामगार का मुख्य डे अधिकार दिवस है। कामगार जो रोड पे बैठा है, कामगार जो दुकान में काम करता है, कामगार जो हमारे घर में झाड़ू पोछा लगाता है, कामगार हम भी है जहाँ पे हम काम करते हैं, तो आज इस कामगार का एक अधिकार दिवस है, उस दिवस पे हमने इस कार्यक्रम को आगे लिया है। ये राष्ट्रीय पॉलिटिकल मंच नहीं है और हमारे सामने जो बैठी है महिलाएं हैं, बहुत बड़ा ऐसा मंच नहीं जहाँ पे मैं कोई भाषण या उद्देश्य दूं, लेकिन फिर भी हमारे साथ में कुछ पत्रकार हैं, सत्य प्रकाश जी हैं जो हमारे मुंबई मेट्रो चैनल से हैं, आप लोग जो हम बैठे हैं सभी को हम लोग टीवी पे देख रहे हैं, लोग ये कार्यक्रम दिखा रहे हैं, जो हमको इस कार्यक्रम में जो आप लोगों की सेवा है उसको बढ़ाने के लिए, हमारे लोगों को मदद करने के लिए कुछ पत्रकार और कुछ हमारे चैनल के दोस्त हैं जो मुझे बहुत मदद करते हैं, क्योंकि हर महीना इस तरह सेवा जो हम लोग बढ़ा रहे हैं तो हर महीना इस तरह से फॉर्म बढ़ते जा रहे हैं और आज हम जितना भी मेहनत धन से कर रहे हैं, अपनी तरफ से कर रहे हैं, ये कोई पार्टी और कोई सरकार नहीं दे रही है। मैं विनती करते थोड़े ऐसे ललिता कांबळे, ललिता कांबळे, लतीफा शेख, लतीफा शेख, अभिनंदन मौर्या, मस्तान खान, अमित तिवारी जी, मंजावर आहेत, काजल आहिरे, वैतरी चुरियार, वैतरी चुरियार, वैतरी चुरियार, पूजा पटेल, प्रमुख पाहुणे श्रीमती बीना सिंह ठाकुर, रंजीत कुमार, नीरज शर्मा, महेंद्र वर्मा, श्री आगरे,
लक्ष्मी भाई मागरे मगरे लक्ष्मी भाई मगरे सुनीता मुळे कवि उपज धान्य वितरण माधुरी शांताबाई कालशेट्टी शांताबाई कालशेट्टी विनंती करतो कुसुम रयात कुसुम रयात जननी मानव सेवा ट्रस्ट आयोजित शिवराम चव्हाण यांना विनंती करतो आपल्या हस्ते धन्यवाद मंदार श्रीसाट मंदार श्रीसाट दुर्गावरे कामगार दिवस आयोजित धान्य वितरण व आधार कार्ड वितरण श्रीमती बीना सिंह ठाकूर रंजित कुमार प्रभारी उत्तर मुंबई जिल्हा युवक काँग्रेस त्याचबरोबर नीरज शर्मा महेंद्र वर्मा ट्रस्टचे अध्यक्ष श्री चौकी प्रसाद गुप्ता सौ जाधव फातमा सिंग दीपिका देसाई पुष्पा अधिकारी पार्वती सोनगावडे आशा देवी गुप्ता आल्या त्यांना उद्या नाही भेटणार धान्य ज्यांची उपस्थिती आज नाही आहे त्यांना उद्या धान्य भेटणार नाही देवी गुप्ता जननी मानव सेवा ट्रस्ट आयोजित दर महिन्याप्रमाणे धान्य वितरण लक्ष्मी दोलारे लक्ष्मी दोलारे सर्व मान्यवरांचे हार्दिक स्वागत त्यांना प्रोग्राम मध्ये आल्याबद्दल लाख लाख धन्यवाद पार्वती सोनकांबळे पार्वती सोनकांबळे रेखाबेन वाघेला मंजू गुप्ता मंजू गुरुशंकर गुप्ता त्याचबरोबर ऐश्वर्या सुवे राधाबाई सावंत रजनी कदम कोणी घाई नाही करायची लाईनी या नाही त्यांची वंदना पाटोळे दुसरे आधार कार्ड लेके नाही जाणार ना प्रेरणा वर्मा
अदिति पाटील अदिति पाटील जानवी मंजुळे लाल बहादुर गौड़ आयशा अंसारी मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में आज 1 मई मतलब कामगार दिवस मनाया जा रहा है, जहां सभी पार्टियां बड़े बड़े बैनर होल्डिंग लगा के अपने अपने पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। वहीं जननी मानव सेवा संघ द्वारा किस तरह से आम जनता की सेवा की जा रही है वो आपको दिखाई, जिसको कायम रखने के लिए जननी मानव सेवा संघ जो है बिल्कुल अपने तरीके से अग्रसित है। हमारे साथ जननी मानव सेवा संघ के ज्योति प्रसाद गुप्ता जी हैं, जो कई महीनों से और कई समय से कई बार मौके पर ऐसे आम जनता के लिए जो काम किया, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का उनका योगदान रहा आम जनता के लिए, क्यों नहीं लोगों के लिए और लोगों के लिए सोचते, क्यों सिर्फ गरीबों लोगों के लिए सोचते हैं, ये उनकी भावना क्यों है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। चौधरी प्रसाद जी बताइए कि सिर्फ गरीबों को अन्न वितरण किया जाता है आपके यहाँ पे, कितने समय किया जाता है और किस तरह की मंशा रही है इस पूरे कार्यक्रम के लिए? ये कार्यक्रम में वो कई महीनों से चला रहे हैं और प्रत्येक महीने हम लोग गरीबों को, गरीब मतलब जो विधवाएं हैं, तो मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि विधवा जो औरतें हैं जिनके बच्चे 16 साल के नीचे हैं, उन विधवाओं को एक सहारा एक हमारी ट्रस्ट कर रही है। और आज 1 मई है, महाराष्ट्र डे है, जहाँ पर महाराष्ट्र सरकार बहुत से कार्यक्रम वार्ड वाइज सत्ता में आने के लिए दिखा रही है, लेकिन हम लोग सत्ता नहीं, हम लोग लोगों की सेवा कर रहे हैं और सेवा के मार्फत हमारे कांग्रेस पार्टी के भी सभी यूथ के जिलाध्यक्ष हैं, अमित जी हैं और सारे जो कार्यकर्ता हैं, सभी लोग हम लोग मिलकर लोगों में जा रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं। और एक जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो आज कामगारों का हक जो छीन रही है, लोगों को काम धंधा नहीं मिल रहा, लोगों में बेरोजगारी बढ़ रही है, उसके विपरीत हम लोग लोगों में जाके जो समस्या है उसको सुलझाने का काम कर रहे हैं और गरीब जो तबके के लोग हैं उनको किस तरह से मदद करें, उनको मेडिकल से लेके और सारी सुविधाएं जो है, पानी की समस्या है, सारी समस्याओं पर हम लोग निरंतर काम कर रहे हैं। आज जो अन्न वितरण का काम किया गया है, अन्न वितरण के साथ और भी क्या चीजें लोगों को दी जा रही है, अन्न के साथ और भी क्या चीजें उस पॉलीथीन में और थैली में रहती है जो लोगों तक पहुंचती है? हम लोग एक बैग बनाते हैं जिसमें हर महीना जो बैग दे रहे हैं उसमें 5 किलो आटा 5 किलो चावल है और उसके अलावा 2 किलो दाल है, उसके अलावा भाजी की जो भी क्वांटिटी होती है वो हम लोग रेगुलर दे रहे हैं। और जो बेचारे विधवा है उनको जो सहारा नहीं है उसको हम लोग कायम रखते हैं और हर महीना हमारे यहाँ पे निरंतर बढ़ता जा रहा है, लोग कई लोग आ रहे हैं, दूर दूर से लोग आ रहे हैं, उस सेवा को बढ़ाते जा रहे, सेवा का दायरा बढ़ते जा रहा है और उसमें हम लोग रेगुलर काम भी कर रहे हैं। चतुर्थ प्रसाद जी, जो अन्न वितरण करते हैं तो एक दायरा रहता है या कोई भी आ सकता है आपके यहाँ अन्न वितरण के समय कोई ले सकता? नहीं, हमारे यहाँ कोई दायरा नहीं है, हम लोग सब धर्म के लोग, सब जाति के लोग और गरीब तबके के दहीसा से लेके मलाड़ तक लेके यहाँ से मीरा रोड तक के लोग आते हैं और सबको हम लोग मदद कर रहे हैं। चतुर्थ प्रसाद जी, किस तरह से आप वेरीफाई करते हैं कि इनको अन्न देना चाहिए उनको नहीं देना चाहिए, किस तरह की आपकी जो सेवा है किस तरह से लोग वेरीफाई करते हैं? हमारे यहाँ पे पहले तो जो विधवा औरतें हैं वो अप्लाई करती हैं और अप्लाई करने के बाद उसके हम लोग राशन कार्ड, आधार कार्ड और पैन कार्ड लेते हैं और राशन कार्ड में हम लोग देखते हैं कि कितने लोग हैं उसमें और उसके बच्चे अगर 16 साल के अंदर है, लड़के हों लड़कियाँ अगर 16 साल के अंदर है तो बेचारा काम धंधा नहीं कर सकता और विधवा औरत हमेशा स्ट्रगल कर रही है, तो वो देखने के बाद हम लोग फिर हमारे सर्वेयर, हमारे जो ऑफिस के बच्चे हैं उनके घर पर जाते हैं, उनके घर की स्थिति देखते हैं कि वो रियल में कमा नहीं सकती, अगर वो कमाने वाली पढ़ी लिखी विधवा औरत है और अगर अपने पति की जगह अच्छे जॉब पे है तो अपने बच्चों का पेट भर सकती है, अगर वो वेल सेट है तो उसके लिए हम लोग कोशिश नहीं कर रहे, लेकिन जो बेचारा बहुत गरीब तबके का, हमारे झोपड़पट्टी में लोग जाते हैं तो कई ऐसे घर देखे जो हमको जब घर में बुलाते हैं तो उनके घर में घर की शुरुआत कहाँ से होती पता नहीं है, बेचारे को बैठने की जगह नहीं होता, उनके घर में चूल्हा नहीं होता, उनके घर में कुछ नहीं है, तो उन ऐसे लोगों को हम लोग ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। आज जो अन्न वितरण हुआ कितने लोग लाभ लिए हैं? 270 लोग बढ़ गए ना? अच्छा, 270 के आसपास था और अभी हमारे लोग बता रहे हैं कि 300 के करीब जा रहा है, मतलब हर महीने ये संख्या बढ़ रही है कि संख्या बढ़ रही है, इसलिए हम अपने लोगों से इस माध्यम से आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों से अपील करूंगा और हाथ जोड़ के विनती करूंगा, जो भी इस मदद करने वाले लोग हैं आगे बढ़ के हमारे ट्रस्ट को मदद करें दोनों हाथ से और इस कार्यक्रम को हम लोग निरंतर, इसको राजनीतिक तरीके से नहीं देखे, कोई पार्टी पक्ष को छोड़ दे, वो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी हो या जनता पार्टी या शिवसेना या
राष्ट्रवादी, हम सभी कार्यकर्ताओं से विनती करेंगे, हाथ जोड़ेंगे कि हमको हमारे पार्टी को छोड़ के इस ट्रस्ट के माध्यम से हमको मदद करें। स्थापक ज्योति प्रसाद जी, जिनका साफ मानना है कि हम उन सभी लोगों की सेवा करना चाहते हैं जो सच में अनाथ है, जो सच में जरूरतमंद है, और सिर्फ महिलाओं के नहीं बल्कि पुरुषों को कोई जाति धर्म से हमारा कंसर्न नहीं है, कोई वोट बैंकिंग हमारी नहीं है, हमको कोई सत्ता की लालच नहीं है, लेकिन हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आम जनता तक अन्न वितरण हो और बाकी सारी चीज़ें हमारी तरफ से सेवा पहुँचे, ये हमारा उद्देश्य है। हमारे साथ कुछ और लोग भी उसी संस्था जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे योगदान में बाकी लोगों का क्या सहयोग है और किस तरह से किस नज़रिए से देखते हैं। सर आप बताइए, ज्योति प्रसाद जी ने जो काम कर रहे हैं उससे आप कितना अपने विचारों से कितना सहमत हैं? जैसे परिवार में एक भाई अगर संपन्न हो जाता है और संसाधनशील हो जाता है तो अपने भाइयों की सेवा करता है, अपने भाइयों की मदद करता है, उसी तरह समाज में अगर कोई व्यक्ति संपन्न हो जाता है, संसाधनशील हो जाता है, तो उसे भी जरूरतमंदों की सेवा करनी चाहिए। और इसी विचार से प्रभावित होकर ज्योति प्रसाद जी अपने इस संस्था के माध्यम से, जननी मानव सेवा संघ के माध्यम से समाज की सेवा कर रहे हैं। ज्योति प्रसाद जो सेवा कर रहे हैं, उनका कैसा लग रहा है? हाँ, अच्छा लग रहा है ना। आप यहाँ पे मतलब राशन पाए कौन है? मला निकली थे मला राशन पाए जी माँ जाते ले दुख थे माँ जमा मोर कौन नहीं कौन नहीं निकली थे नेकी चिटी नीचे लग मदर ये क्लिच मदी ये क्लिच है मी मा जमा जमोर कौन ने पागर कौन दिए नहीं ये क्ले वाला राशि ने दर मायना ना दिए लेते तुम शोप कर मन मैडम। जननी मानव सेवा ट्रस्ट काफी महीने से, कई समय से लोगों की सेवा में तत्पर है, क्या कुछ कहेंगे आप? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि आज के दौर में अपने माँ बाप के लिए कोई नहीं करता आज के दौर में, लेकिन आज हमारे यहाँ पे जननी मानव सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री ज्योति प्रसाद गुप्ता जी अंकल को मैं काफी टाइम से देखती हूँ, छोटे बचपन से देखा है, और उन्होंने इतनी अच्छी सेवाएं की है कि आज उनकी जितनी भी तारीफ करें वो कम है, क्योंकि अनाज का अनाज जो बांटते हैं वो सबसे बड़ा पुण्य का काम है जो कोई नहीं करता, और ऐसे काम के लिए तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका कि हमें भी इस ट्रस्ट में शामिल किया है। तो थैंक यू सो मच। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि शायद ही ऐसा इंसान मैंने कहीं देखा है और ना ही कभी कोई देखेगा, क्योंकि अनाज का देना बहुत बड़ा पुण्य का काम है और ऐसा काम कोई नहीं करता, वो बाटी वाले चाहे कितने भी हो, लेकिन ये जो मानव सेवा ट्रस्ट है उस नाम ही उसी हिसाब से रखा हुआ है कि लोगों की सेवाएं करना, और ये सबसे बड़ा सेवा है जो अनाज वितरण है, और काफी सेवाएं भी ये करते हैं, और आगे हम सबको उनका योगदान करना चाहिए, जैसे आज शामिल हुए सब वैसे हर समय में उनका साथ देना चाहिए ताकि ये जो चीजें है वो आगे और बढ़ती जाए और लोगों को सेवाएं मिलती जाए। थैंक यू सो मच। ये थे जननी मानव सेवा ट्रस्ट के पदाधिकारी लोग, जिनका साफ मानना है कि इस तरह का काम अगर कोई करता है तो सिर्फ ज्योति प्रसाद ही कर सकते हैं, क्योंकि अन्न वितरण का जो काम होता है बहुत ही बड़े पुण्य का काम है, पर सत्ताधारी हो और गैर सत्ताधारी इस विषय का कोई मामला नहीं है, क्योंकि ये मंच जो है एक मानव सेवा का है, न कि किसी राजनीति के, जिसके कारण लोग बहुत ही प्रभावित होते हैं। आपको हमने दिखा कि किस तरह से लोग लाइन लगा के यहाँ पे अन्न वितरण का कार्यक्रम को सराहा है, और किस तरह से आधार कार्ड को जो लोगों तक कई महीने तक पहुंचता नहीं वो सीधा उनके हाथ तक पहुंचाता है, जिसकी वजह से एक आधार कार्ड देने के लिए केंद्र बनाया गया, जिसकी वजह से सबको आसानी का और सही तरीके से मिल जाता है। कैमरा पर्सन अमन जसवाल के साथ सत्य प्रकाश, सोनी मेट्रो, मुंबई।